ऐसे मुंह फेर लेने से हकीकत बदल नहीं जाती। यहाँ आपका किया हुआ जुर्म छुप नहीं जाएगा। नहीं, मेरा जुर्म तो नहीं छुपेगा, लेकिन जिस चेहरे को देखकर नागवारी आए उसे क्यों देखो? मुझसे ऐसे बात ना करें, अच्छा नहीं लगता मुझे। पहाड़ में जाओ तुम। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूं? मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी तुम? क्या उन मनुष्यों के लिए रोना भी पड़ेगा? मैं तो सोचा भी नहीं था ये हो जाएगा। अभी तो रेहान को बड़ा होते देखना था, उसके साथ खेलना था, ये कैसे हो गया? डैड की जगह मैं क्यों ना मर गई? कैसे हो गया ये? लाश की तरह अस्पताल में ये भी। हटो! क्या बकवास किए चली जा रही हो तुम? ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? बच गए वो मतलब आपके साथ दिखे नहीं ना, तो मुझे लगा कि अपनी काली जबान बंद करो। वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो फिर इतना मुंह लटका के क्यों आ रही थी? अब ऐसे देखूंगी तो यही लगेगा ना। तो फिर अस्पताल उनको अकेला क्यों छोड़ रही है? जीवन साथी है, आपको तो साथ होना चाहिए इस बुरे वक्त में उनके साथ। क्या करने आ गई है घर? मुझे कहाँ होना चाहिए, अब तुम मुझे बताओगी? ये मुनस बिल्कुल ठीक है, उनके पास उनका बहू और बेटा मौजूद है, समझ गई? बहू? वो वहाँ कैसे पहुँच गई और क्या करने गई है? पहले तो बड़ी बड़ी बातें करी थी, बड़ी खुददारी दिखा रही थी। कहीं उसने अपने शौहर की दूसरी बीवी को कबूल तो नहीं कर लिया? लेकिन मैं ना एक बात बता दूं आपको, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। या तो इस घर में वो अनीशा बीबी रहेगी या मैं और रेहान। मैं पहले ही बता दूं ये नहीं चलेगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आपको भी दिल का दौरा पड़ गया डैड की तरह? आप तो नहीं मरने वाली? अभी मत मर जाना। तुम अपनी खैर मनाओ, आज से ना तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए, समझी तुम? अच्छा तो ख्याल तो कर ले अपना, किधर जा रही है? ध्यान से, ये बुढ़िया भी मेरे सर ही ना पड़ जाए। क्या साहब है, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? किसी दूसरे के घर में इस तरह घूमती फिरती रहती हो? इस खानदान में एक तो हमारे बीच में आकर तुम चिपक गई हो हमसे, ऊपर से हर वक्त नजरों के सामने रहती हो। जाओ जाकर दफा हो, किसी सर्वेंट क्वार्टर में जाकर अपना मुंह छुपाओ। रेहान की माओ कोई नौकरानी नहीं हो कि सर्वेंट क्वार्टर में जाके मुंह छुपा लूंगी। तुम इंसान नहीं हो, शैतान हो। खुदा तुम्हारे मकसद में ना तुम्हें कभी कामयाब नहीं करेगा। तो रेहान को हमारी कमजोरी बनाकर इस घर में अपने पांव जमा लिए, लेकिन जब उसका इंसाफ आएगा ना, तुम्हारे पैरों तले जमीन खींच लेगा वो और तुम मुंह के बल गिरोगी। ये बुढ़िया क्या कह गई है, चल रहा है इसके जहन में? और ये अनीशा वहां कैसे पहुंच गई? कुछ सोच रूही, कुछ सोच। क्या होगा तेरा, कुछ तो सोच।